ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਨਾ 10 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡਡ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਟੋ ਹੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3 ਜੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਕਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਜੋ ਦਮੋਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਂਦਕਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਨ ਇਸੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਟੋ ਹੀ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟੋ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दमोह के शोभा नगर से, दमोह प्रॉपर से गुप्ता परिवार के ही एक ऑटो चालक हैं और इसी प्रकार से संयोग से जो साथ में जाने वाले लोग भी हैं वो भी गुप्ता परिवार के हैं और ये लोग सभी बांदकपुर के दर्शन के लिए जा रहे थे जो बताया गया है और रास्ते में बड़े लोडर ट्रक के साथ इनकी भिड़ंत हुई है। ये भी बताया गया है कि जो लोडर ट्रक का जो चालक है वो शराब पी कर के वाहन चला रहा था ऐसा पता चला है। अभी उनका मेडिकल वगैरह होगा तो पुष्टि हो जाएगी कि क्या स्थिति है। और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जो पूरा ऑटो रिक्शा है वो पूरा ट्रक के जो सामने वाला बोनट है उसके नीचे फंस गया और वहाँ के जो उस समय राहगीर थे, बाकी के मदद करने वाले लोग थे, उनकी मदद से और हम लोगों ने कटर के माध्यम से, हाइड्रा के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से इसको लोगों को निकालने का प्रयास सभी लोगों ने मिलकर किया और पूरे इसमें कुल 10 लोग इसमें सवार थे जिसमें से 7 लोगों का जो है दुखद निधन हुआ है और 3 लोग जो हैं घायल हैं, उसमें से 2 लोग गंभीर घायल हैं और 1 स्टेबल हैं। तीनों को एक पुलिस प्रशासन के पायलट फॉलो के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जबलपुर के लिए रवाना किया गया है। इसमें पुलिस के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी और मेडिकल के तीनों के लोगों को साथ में इनके भेजा गया है ताकि रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आगे जबलपुर से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इनका इलाज जितना जल्दी वहाँ पर शुरू हो सके वो हो जाए। ट्रक ड्राइवर ठीक है, अभी उसका मेडिकल टेस्ट होना है। प्रभु, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिन 7 लोगों की जान गई है प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहर के लोगों से आग्रह करूंगा और पूरे ज़िले के लोगों से कि कई बार ट्रैफिक पुलिस अलग अलग चौराहों पे पूरे ज़िले में जब जांच चेकिंग अभियान चलाती है उसमें हम सहयोग करें, क्योंकि कई बार जब लापरवाही हो जाती तो इस प्रकार की घटना घट जाती है। अब इस घटना के बाद इसके पहले भी और आगे भी ये तय करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था और टाइट हो, क्योंकि मैं अभी स्वतः स्पॉट से होकर आया, कुमारी से लौट रहा था तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए जो वहाँ पे जो शरीर के अवशेष जो वहाँ देखे हुए हैं। और सभी से आग्रह है कि नियमित होकर, संयमित होकर स्पीड से हम गाड़ी चलाएँ, क्योंकि कोई ना कोई, चाहे ऑटो में जितने लोग थे, किसी ना किसी परिवार की उनके ऊपर जवाबदारी और जिम्मेदारी होगी। और अभी CMHO से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि इनका ब्लड सैंपलिंग कराते हैं और यदि वाइन का उसका निकलता है तो उस पर कार्रवाई, जो शख्स से वो कार्रवाई कराएंगे। इस पूरी घटना में सब मौजूद ऐसे कोई ऐलान? हाँ निश्चित ही, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में मैंने अभी ऑन द वे था, रास्ते में अवगत करा दिया है, तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी अभी होते तो इस पर अपन कराते हो चुकी है और
हम यहाँ से जबलपुर के बीच में उनके लिए कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि वो डायरेक्टली बिना किसी व्यवधान के पहुँचें। उनको पायलट और फॉलो की व्यवस्था दी जा रही है। जैसे ही उनका प्राथमिक उपचार कंप्लीट हो जाता है वो एम्बुलेंस के माध्यम से जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे। वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हमारा लाइजिंग हो चुका है और होपफुल हैं कि हम उनको हम जिंदा बचा लेंगे। सर पता चला कि कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के निवासी? नहीं, अभी चूँकि जितने भी लोग मौजूद थे उनमें भी कोई बात करने की स्थिति में नहीं है तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और वो लोग कहाँ कर हैं। लेकिन चूँकि लोकल ऑटो आसपास के क्षेत्र के ही चलने वाले होते हैं तो हमारा मानना है कि लोकल दमोह के ही लोग हैं और ये अपना समन्ना आ रहे होंगे या उसके आसपास कहीं किसी क्षेत्र में जा रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर में हमारी टीम लगी हुई है जो उनके नाम निकाल लेगी और उसके बाद जो राहत राशि का जो विवरण होना है वो भी दिया जाएगा। सर ऑटो का मामला सामने आया ट्रक के द्वारा? क्या चीज़? ट्रक के द्वारा ऑटो को रौंदा गया। हाँ, अभी जो किन हालातों में ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो लोकल लोगों ने बताया है कि ट्रक ड्राइवर जो था वो नशे में था। ट्रक ड्राइवर हमारी कस्टडी में है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, डॉक्टर्स उसके साथ लगे हुए हैं और थोड़ी देर में हम ये कंसर्न को कंफर्म कर लेंगे कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है। सर ऑटो में कितने लोग थे? लगभग 10 लोग थे ऑटो में और उसमें 7 लोग की डेथ हुई है और 3 लोग अभी जिंदा हैं, उनका उपचार चल रहा है। थैंक यू। अभी फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके ऊपर जो गैरआतन हत्या का मामला है वो दर्ज होगा। ट्रक ड्राइवर अकेला है और उसके साथ ट्रक में कोई और मौजूद नहीं था। ट्रक के मालिक की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से दोनों पर ही ये कार्रवाई की जाएगी और मोटर व्हीकल एक्ट के भी तमाम सेक्शन जो हैं उसमें अट्रैक्ट होंगे तो उनको भी लगाया जाएगा।